आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके लिए चीज पोटैटो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और बनाने में उतना ही आसान है। आप इसे सुबह नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर शाम के टाइम इसे बना सकते हैं। मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार होता है। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ आलू लिया है, जिसे कि बॉईल करके और ग्रेट करके ले लिया है। एक प्याज को बारीक काट के लिया है, आधा शिमला मिर्च को बारीक काट के लिया है, एक टमाटर को बारीक काट के ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन है जिसे कि बारीक काट के लिया है, और रेड वाली जो मिर्ची होती है उसे बारीक काट के लिया है। इसकी जगह पे आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, चौथाई चम्मच इतना काली मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, एक चम्मच इसमें डाल दिया है चाट मसाला, इसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, और अब यहाँ मैंने एक चम्मच इतना ऑरिगेनो डाल दिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट की हुई चीज। तो आप चीज के साथ बनाना चाहते हैं तो बनाए, नहीं तो बस आलू के साथ भी बनाएंगे तो बहुत झटपट से और बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच हमारा बनकर तैयार होता है। चीज बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए यदि चीज डालते हैं तो बच्चे मन से खाते हैं। तो यहाँ पे एक क्यूब्स को मैंने इसमें ग्रेट करके डाल दिया है, और अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही चटपटी सी टेस्टी सी हमारी फिलिंग झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। इसे भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि इस तरीके से आप बनाते हैं तो बिना भूने जो फिलिंग है बहुत चटपटी सी बनकर तैयार होती है। और हरी कुछ सब्जियां भी हमने इसमें डाल दी है, जिससे कि ये काफी हेल्दी भी हो गया है। तो बस अब जो है फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब सैंडविच बना लेते हैं। यहाँ मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, इसकी जगह पे आप ब्राउन ब्रेड ले। ब्राउन ब्रेड से जो सैंडविच बनेगी वो और भी ज्यादा हेल्दी होगी। तो इस पे मैंने एक साइड लगा दिया है ग्रीन सॉस, और एक साइड पे लगा रही हूँ टमाटो केचप। तो यहाँ पे आप हरी धनिया की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविच और भी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब फिलिंग डाल दी है, तो बढ़िया से फिलिंग हम डालेंगे, जैसे एक से डेढ़ चम्मच जितना अच्छे से इस पे आए उतना हमें भर भर के डाल देना है। तो दो सैंडविच मैं एक साथ तैयार कर रही हूँ, तो इस पे अच्छे से डाल दिया है, और अब इसे हम ऊपर से, जैसे इसमें आप चाहे तो खीरा टमाटर या फिर प्याज की स्लाइस जो है उसे लगा सकते हैं, यदि आपके बच्चों को पसंद हो तो उस तरीके से लगा दें। और यहाँ पे अब एक क्यूब चीज जो है ग्रेट करके ऊपर से डाल दिया है, जिससे कि और भी ज्यादा चीजी और टेस्टी लगेगा। तो बस चीज यहाँ पे मोज़रेला चीज भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ चीज डाल दी है और अच्छे से डाल दी है। तो सारी सैंडविच को हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और बस इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इसे सेक लेंगे। तो सेकने के लिए मैंने तवा गर्म होने बैठा दिया था, और अब इस पे हम डालेंगे बटर। तो बटर के साथ यदि सैंडविच सेकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा टेस्ट आता है। वैसे आप अपने पसंद के ऑयल में इसे सेक सकते हैं। तो बस अब इस पे हम एक प्लेट को डाल देंगे और इसे गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे और थोड़ा सा कवर कर देंगे, जिससे कि जो चीज है अच्छे से मेल्ट होगी। और बस एक मिनट के लिए मैंने इसे ढका है, उसके बाद इसे खोल के और ऊपर से भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाएगी, और अब इसे हम पलट लेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड से अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। तो बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है सैंडविच। तो लगभग सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ जो हमारा सैंडविच है बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे सर्व करने के लिए, और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो कैसी लगी आपको मेरे पोटैटो चीज सैंडविच की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।